मार्केट में हम लोग कल किस तरीके से काम कर सकते हैं, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निफ्टी का करेंगे, देन उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट में कल किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं लेकर आना चाहूंगा आप लोगों के लिए, यहाँ मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। देखो हाँ, एक छोटी सी न्यूज है, जिसके छोटी सी तो नहीं है, खैर बहुत बड़ी न्यूज है सिलिकॉन वैली, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो छोटी सी न्यूज होने वाली है। बिकॉज ऑफ अगर कल गैप डाउन खुल जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं निकलने वाला है मार्केट में अगेन, है ना। अगर देखते हैं कि फिर क्या होने वाला है, सिलिकॉन वैली की एक न्यूज है, सिलिकॉन वैली बैंक्स की न्यूज है, वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। लाइक यहाँ पे बताया जा रहा है, आप इस लाइक पूरी इस वीडियो को लाइक न्यूज को देख लेना तो आप समझ जाएंगे। एक मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ने वाला है इंडियन बैंक के ऊपर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, है ना, ये बैंक अंडर प्रेशर में आ सकती है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ ये इनसे रिलेट है ना। शादी डॉट कॉम हो गया, ये कुछ पेटीएम हो गया, ये ना कुछ इनसे जुड़े हुए हैं, है ना, न्यूज को लेके। तो आप देख लेना इनकी न्यूज के ऊपर, हम डायरेक्टली आ जाते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर कि हम किस तरीके से एनालिसिस करने वाले कल के। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वन डे के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं। ओके, आपको लेकर आया हूँ। सो यहाँ पे हम लोगों ने काफी टाइम पहले एक मीटर रेजिस्टेंस लेवल बनाया था। ओके, देखो मार्केट ने कितने प्यारे तरीके से उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, है ना कहीं देखो ये सपोर्ट बन रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आया रेजिस्टेंस बना, देन मार्केट नीचे आ गया। अब वो बचा कोई भी हो, कोई भी न्यूज हो, कुछ भी हो, लेकिन मार्केट को तो देखो सिर्फ भजा चाहिए, है ना। हम तो टेक्निकल पे वर्क करते हैं, टेक्निकल चार्ट से वर्क करते हैं। अब जैसा हमारा चार्ट बोलता जाएगा वैसा हम वर्क करते जाएंगे। ओके, देखो एक मेजर लेवल, ये जो यस्टरडे मतलब हमारा कैंडल क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन। ओके, यस्टरडे नहीं बोलूंगा, फ्राइडे के दिन 10 मार्च के दिन ये कैंडल जो क्लोज हुआ था, इसका हाई एंड इसका लो बड़ा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, मेजर अगर गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट के लिए मेजर आपके लिए सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके रखना पड़ेंगे, जो कि है 17,150 के अराउंड निकल के आ रहा है। ओके, 150 से लेके 60 के अराउंड निकल के आ रहा है एक मेजर लेवल, ओके, सपोर्ट लेवल। देन उसके बाद मार्केट अगर फॉल डाउन करता है तो एक 16,960 से लेके आप कहीं ना कहीं 17,000 के लेवल पे एक मार्क करेंगे। ओके, ये वो लिटिल बिट इतना स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद अगर एक और स्ट्रांग लेवल देखा जाए मार्केट के लिए, जो कि है 16,800 का लेवल। ओके, ये मेजर है, हमने डेली टाइम फ्रेम पे बना के रखे हुए हैं। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमारी एनालिसिस क्या रहने वाली है कल के लिए। ओके, ये देखो चार्ट आपके लिए कुछ इस तरीके से देखिएगा, ना तो इसके ऊपर कुछ है ना तो इसके कुछ नीचे, कुछ भी नहीं। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसका हाई एंड लो को मार्क करके रखेंगे मार्केट के। मैं लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे सब कुछ अपडेट कर दूंगा, बिकॉज ऑफ वी आर इंट्राडे ट्रेडर, हम लोग कल की मार्केट को देख के ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ मार्केट में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ बिग न्यूज। जैसे कि मैंने छोटी न्यूज बोला था उसके लिए सॉरी फॉर दैट, कि सिलिकॉन वैली की काफी बड़ी न्यूज है, कॉलैप्स हो चुकी है पूरे तरीके से, 97% लाइक इसको बताया जा रहा है कि पैसा काफी ज्यादा इनको मतलब लॉस झेलना पड़ रहा है कॉलैप्स के कारण। ओके, सो अब कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो कहीं ना कहीं ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुल जाती है मान लीजिए इधर पे, तो हम वेट करेंगे मार्केट को यहाँ से एक सपोर्ट लेने का, देन उसके बाद जो भी इसका लेवल होगा हाईएस्ट लेवल उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट गैप अप खुलती है और मार्केट इसके नीचे आ जाती है इस लेवल के, ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इस लेवल के नीचे आते हैं, जो कि आज की क्लोजिंग है 17,418, इसके नीचे आती है मार्केट, हम एक छोटा सा एसएल देके 17,450 का बैठ जाएंगे नीचे के लिए। ओके, पहला टारगेट दूसरा टारगेट रखेंगे, ये गैप अप की बात है। फ्लैट के केस में क्या करेंगे, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो वेट करेंगे आइदर दोनों साइड ब्रेक करने का, एक ये लेवल अपसाइड और एक ये डाउन साइड। ओके, अब अगर मार्केट खुल जाती है गैप डाउन यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे, तो हम वेट करेंगे, अगर यहाँ पर खुलती है तो वेट करेंगे कि मार्केट इस पॉइंट पर किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तब भी हम देखेंगे कि मार्केट एक नीचे जाए रिटेस्ट ले, तैन नीचे जाए, तो हमें बड़ा मजा आएगा मार्केट में बैठने के लिए। ओके, अब अगर मार्केट को ऑब्वियस ट्रेड नहीं देना है बिल्कुल भी, मार्केट को बिल्कुल कचड़ा करना है कल की मार्केट, तो बिग गैप डाउन खुल जाएगा, है ना,
या गैप, बिग बैक गैप अप खुलने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, देखते हैं फिर यहाँ कहीं पे खुलती है, यहाँ कहीं पे खुलती है, तो दोनों साइड हमारे पास टारगेट है, ये भी है और ये भी है। ओके, सो मैं इसको सिंपल एनालिसिस रखने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ कल का मार्केट जरा सा पैनिक हो सकता है। ओके, ये तो है निफ्टी का, आप यहाँ पे लेवल्स को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ये देखो है ना। अब हम बैंक निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर दिखाने वाला है। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो, अब मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए इसका भी हाई हमें मार्क करके रखना पड़ेगा और इसका एज वेल लो भी मार्क करके रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 40,300 का लेवल और हमारे लिए 40,850 का लेवल, ये इसको मैं जरा सा ऊपर करता हूँ, 50 के समथिंग है ना, 30 आ रहा है लेकिन हाँ ठीक है, 30 इसको कर सकते हैं, 50 ही है वो, ठीक है ये 50। ओके, अब वनडे के टाइम फ्रेम पे जाके मैंने आपके लिए निकाला है, 40,000 का लेवल है, लेकिन उसके नीचे जरा सा आप 39,920 से लेके 50 का भी एक सपोर्ट रखना। ओके, लेवल 40,000 लाइक साइकोलॉजिकल नंबर है, वो तो बैलेंस कोट है, लेकिन ये लेवल को भी आप रखना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको भी मार्केट तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं हम डाउन साइड के लिए देखेंगे 39,500 एज वेल 400। ओके, अगर इसके नीचे भी ट्रेड करने लगता है तो 39,150 से लेके 200 के टारगेट से। ओके, ये सिंपल सी एनालिसिस आपके लिए कल होने वाली है। अब मार्केट का मैं क्या बताऊं कि आपके लिए फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, बिकॉज ऑफ मार्केट का एक रेंज ऑलरेडी बहुत बड़ा रेंज बन चुका है, 400 450 पॉइंट का आपके लिए रेंज बन चुका है। ओके, ये देखो आपके लिए रेंज है मार्केट, अगर चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट गैप डाउन खुल के भी गैप यहाँ पर आती है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला लेवल उसके लिए। ओके, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, मार्केट इसी रेंज में आपको घुमा सकता है, अगर मार्केट जो लिटिल बिट फ्लैट खुला है, गैप डाउन खुला, अगर बिग गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे, तो हम वेट करेंगे कि यहाँ से अगर यहाँ पर आके डाउन जाएगा तो इसके लो के नीचे शॉर्ट करेंगे, और मार्केट अगर यहाँ पर है तो हम वेट करेंगे फिर इस लेवल पे क्या हमें प्राइस एक्शन का मूवमेंट दिखा रहा है। ये क्या है, 39,920 से लेके 50 का लेवल है, और अगर इसके नीचे निकलता है तब जाके हम कहीं ना कहीं 400-500 पॉइंट का फिर हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सिंपल सी एनालिसिस है, इसको टफ करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ कल वॉलेटिलिटी देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है। सो कल अगर जो भी लाइव मार्केट में मुझे लगेगा, मैं आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भेज दूंगा, टेलीग्राम की लिंक बायो में है, जाकर ज्वाइन करें। ओके, मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, चार्ट भी भेज दूंगा आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, और आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करना ना भूले टेलीग्राम चैनल को, एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइन ऑफ चैरी, थैंक यू सो मच।